नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दो बिजनेस न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इस वीडियो में समझ जाएंगे सबसे बेस्ट बिजनेस आर्टिकल्स, लेटेस्ट जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा गोल है कि हम इंटरप्रेट करें बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को और समझाएं कि कौन से फाइनेंशियल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स का आपके लाइफ पर असर पड़ रहा है और क्या असर पड़ रहा है। तो कॉज और इफेक्ट दोनों चीजें हम एनालाइज करते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से जो बहुत ट्रेंडिंग है। आर्टिकल कह रहा है कि करीब 9 ट्रिलियन रुपीज वाइप आउट हो गए हैं क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है 2%। अब मैं कहूंगा कि देखिए काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है ये टाइटल। सबसे पहले तो 2% क्रैश, 2% नीचे आ जाना इज नॉट क्रैश, इसको हम बोलते हैं करेक्शन। क्रैश वाली बात कहां से आ गई? एंड 9 ट्रिलियन रुपी वाइप्ड आउट एज मार्केट्स क्रैश्ड, ये भी बोलना देखिए रियलिटी में अगर आप देखें तो 9 ट्रिलियन रुपी का नुकसान नहीं हो गया किसी को, ठीक है। ये एग्जैजरेशन होता है इस तरीके से आर्टिकल्स में जब आप पढ़ते हैं कि लोगों को इतने का नुकसान हो गया। आज ही अगर आप देखिए रिलायंस और टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनीज है, या आप एप्पल को देखिए, एप्पल 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, अगर 1% भी बढ़ जाए तो लोगों को कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा, राइट। और 1% गिर भी जाए तो 30,000 करोड़ का नुकसान। तो ये 1% तो ऊपर नीचे डेली होता है, तो इसको हम भूल नहीं सकते कि इतना नुकसान हो गया, इतना फायदा हो गया। इक्विटी के बेंचमार्क, स्टॉक मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स हैं दो, सेंसेक्स और निफ्टी। अगर कोई देखता है कि मार्केट पॉजिटिव चल रही है नेगेटिव, तो सेंसेक्स और निफ्टी को देखता है वो स्टॉक मार्केट में। एंड ये 2% नीचे आए हैं थर्सडे को क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। रिस्क को कम करने का मतलब क्या है कि जो भी रिस्की चीजें हैं, रिस्की एसेट्स हैं, उनको बेचना और सेफ जगह पर पैसे को डालना। जैसे कि मैं कहूं अगर कोई वॉर होने वाला है, कुछ होने वाला, तो आप स्टॉक्स को बेच दोगे, स्टॉक मार्केट में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं कुछ, और उनसे पैसा हटा करके आप लगा देंगे कहां, गोल्ड में, एफडी में, या लैंड में, कहीं और आप डाइवर्सिफाई करेंगे। तो वेस्ट एशिया, इसराइल, ईरान और इन सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा टर्मिनल है, कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, जिसकी वजह से लोग डर गए हैं, इन्वेस्टर्स डर गए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कल रिकॉर्ड पैसा निकाला है इंडिया से, एंड चाइना में तो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, जहां पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, एनालिस्ट का ये कहना है, क्योंकि चाइनीज मार्केट 5 साल के लो पर चल रही थी, और वहीं अगर आप इंडियन मार्केट देखें तो 5 साल के हाई पर। FPIs ने शेयर्स बेचे हैं 26,879 करोड़ के, एंड 3 दिन का ये डेटा है, पिछले 3 दिनों में 30% रिबाउंड आया 3 दिनों में, कहां, चाइनीज मार्केट में। इसका मतलब पैसा गया है चाइनीज मार्केट। इन्वेस्टर वेल्थ वर्थ 9.8 ट्रिलियन रुपी वॉज वाइप्ड आउट एज मार्केट कैप ड्रॉप टू 465 ट्रिलियन, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमने ये जाना कि मार्केट में ये क्रैश वर्ड जो बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये सही नहीं है बोलना क्रैश, जब तक कि 10-15% मार्केट नीचे ना आए, 20% नीचे ना आए, उसे हम क्रैश नहीं बोलते, ये करेक्शन होता है, एक हेल्दी करेक्शन होता है। एंड यहाँ पर रीजन हमें पता है, वो है ग्लोबल टर्मिनल। कई लोग इस चीज को भी ब्लेम कर रहे हैं कि सभी कुछ नए रेगुलेशंस लेकर आया, आप कह सकते हैं ट्रेडिंग क्यों लेकर थे ज्यादा, ना कि इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो कई लोगों का कहना था कि ये जो सस्टेन्ड डिक्लाइन है कि आज भी मार्केट नीचे कल भी नीचे, ये इसके वजह से नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली आप देखिए कि इंडिया का मार्केट खराब नहीं है, फंडामेंटली भी खराब नहीं है, बट चाइनीज मार्केट इस टाइम पे इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है, 5 साल के लो पर चल रहा है, तो वहां पर पैसा लगाना कम रिस्की लगता है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए उन्होंने वो पैसा शायद चाइना में जा रहा है इंडिया से फ्लो होकर। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इंडिया विक्स को, बेसिकली मार्केट की वॉलेटिलिटी को ये मेजर करता है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे, कितने बड़े रेंज में ट्रेड कर सकती है। ये 10% बढ़ गया और 13.2 पे आ गया। तो ईरान के मिसाइल ने अटैक किया इसराइल पे, जिसकी वजह से काफी लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि अब इसराइल क्या रिस्पॉन्ड करता है यहाँ पर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, सिल्वर लाइनिंग फॉर टू व्हीलर्स, इन्वेस्टर्स शुड बी कॉशियस। अब सबसे पहला आर्टिकल किसके लिए था? शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आप इंश्योरेंस भी खरीदते हैं ना, तो उसका पैसा भी स्टॉक मार्केट में ही लगता है। तो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड तो है ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड ना हो अगर आप जॉब करते हैं तो। सिल्वर लाइनिंग फॉर टू व्हीलर्स, इन्वेस्टर्स शुड बी कॉशियस, यहाँ पे बात हो रही है टू व्हीलर गाड़ियों के लिए। ऑटो इंडस्ट्रीज फेस्टिव सीजन को काफी क्रिटिकली देख रहा है इस बार, एंड टू व्हीलर और ट्रैक्टर कहा जा रहा है कि ये लीड करने वाले हैं सेल्स में। होलसेल लेवल पे 2 डबल डिजिट ग्रोथ आई है टू व्हीलर में फेस्टिव सीजन के पहले, एंड जबकि स्टार्ट थोड़ा वीक था
स्टार्टिंग जो थी सीजन की वीक थी, लेकिन अभी बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं टू व्हीलर के। इसी के साथ साथ आप देखिए कि जितने भी डिस्पैचेस हैं होलसेल में, चाहे बजाज हो, टीवीएस हो, हीरो मोटर कॉर्प हो, रॉयल एनफील्ड हो, डबल डिजिट ग्रोथ है हर जगह, 22%, 22%, 19%, 11%, काफी बढ़िया ग्रोथ दिख रही है। और एक्सपोर्ट भी बढ़िया ग्रो हुआ है, हमने परसों ही या कल के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि बजाज का और टीवीएस का एक्सपोर्ट आप देखें 13% और 11% ग्रो कर चुका है। इंडियन कंपनीज बाहर काफी सारी बाइक्स एक्सपोर्ट करती है ना, अफ्रीका वगैरह में इंडिया की बाइक्स काफी फेमस है। इवन आप ऑस्ट्रेलिया, यूके भी देखेंगे, ऐसी जगहों पर भी इंडियन गाड़ियां काफी तेजी से एक्सपोर्ट हो रही हैं। सो यहां हमें काफी बढ़िया, आप कह सकते हैं, एक नया मार्केट मिल रहा है एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स देखें, ये भी ऊपर है, और जो दो सेगमेंट्स हैं ट्रैक्टर और टू व्हीलर, ये सबको बीट कर रहे हैं इस वक्त। स्पेसिफिकली आप देखिए कार जो है, फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल में कार वाली कंपनीज काफी वीक है इस बार, तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है ट्रैक्टर एंड टू व्हीलर्स में। आते हैं अगले आर्टिकल पे, व्हाट लेड टू ईरान इजराइल वॉर एंड हाउ ईरान इजराइल वॉर कैन हर्ट इंडिया। ईरान और इसराइल का वॉर अगर होता है, आगे बढ़ता है ये मसला, तो इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, हमें ये जानना चाहिए, ये जरूरी भी है। और हमें स्पेसिफिकली इंडिविजुअली क्या नुकसान होगा, ऑफकोर्स हमारे देश को नुकसान होगा, तो हमारा नुकसान तो है ही है, बट इंडिविजुअल लेवल पे क्या पर्सनल लाइफ में भी आपके कुछ फर्क पड़ सकता है, ये जानते हैं। सबसे पहले तो ईरान ने इस वीक करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, कहां पर, इसराइल में। एंड यहाँ पे काफी सारे वीडियोस आई हैं इसकी, इंटरनेट पे काफी ट्रेंड भी कर रहा है ये। तो लोग क्या वेट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इसराइल कैसे रिटेलिएट करता है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने प्लेज किया, प्रॉमिस किया कि ये रिटेलिएट करेंगे और कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, अब इन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये डिस्कशन, ये बात हुई अभी तक। इसके बाद आप देखेंगे इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने थर्सडे को क्या किया, करीब 15 हिजबुल्ला मिलिटेंट्स को मार गिराया एक स्ट्राइक में इन सदर्न लेबनान, और यहाँ पे करीब 8 इजरायली सोल्जर्स जो है क्लैशेस में दे वर किल्ड विद हिजबुल्ला इन सदर्न लेबनान, जिसके रिस्पांस में ये अटैक्स किए गए। तो एस्केलेटिंग वायलेंस है जहां पे लेबनान भी अब आ चुका है सेकेंड फ्रंट में इस वॉर में बिटवीन इसराइल एंड ईरान बैक मिलिटेंट्स। अब इसराइल का कहना है कि लेबनान में छुपे हैं जितने भी हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स हैं, जहां से वो सारी चीजें नेविगेट कर रहे हैं और स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लेबनान में उन पर अटैक करना पड़ रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है, फुल ब्लोन वॉर में चला गया, तो अभी लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि क्या ये फुल ब्लोन वॉर में जाएगा। एंड क्योंकि इसराइल को यूएस बैक करता है, तो अब लिमिटेड रिस्पॉन्स ही अटैक ये अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी कंट्री इसराइल के साथ डायरेक्टली वॉर में इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहेगी क्योंकि यूएस इसका काफी बड़ा बैकर है। ग्लोबल और इंडियन ट्रेडर्स वो ऑलरेडी एक डिसरप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान है, और स्पेसिफिकली वो कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है सामान, या फिर जो शिपिंग कंपनीज है या पोर्ट्स की कंपनी है, इन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इंडियन कंपनीज की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। अब सोचिए ना, इंश्योरेंस अगर आप कुछ भी भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसका, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ना कि भाई वॉर चल रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं, हाई रिस्क है कि हमें पे भुगतान करना पड़े काफ़ी सारे लोगों को, तो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है अब महंगे हो जाएंगे। इंडिया रिलाई करता है किस पर, स्विस कैनाल पे फॉर ट्रेड विथ यूरोप, यूएस, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, और कोई भी एस्केलेशन हो स्विस कैनाल में या इसके आसपास, तो इंडिया के ट्रेड को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका इंपैक्ट ऑलरेडी हम फील कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स आप देखिए 9% डिक्लाइन हो चुका है इनके एक्सपोर्ट्स में अगस्त में, और 38% रिडक्शन हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मार्जिन और शिपिंग कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं और मार्जिन काफी घट गया है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ रही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो ईरान, इसराइल और लेबनान के साथ क्या है, एक बार ये भी जानते हैं। इंडिया का एक्सटेंसिव बायलेटरल ट्रेड है ईरान के साथ, इसराइल के साथ और लेबनान के साथ। एक्सपोर्ट्स भी हैं, इंपोर्ट्स भी, एंड काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला हमें इस ट्रेड में FY24 में। सबसे पहले तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू इसराइल, ये है $4.5 बिलियन, जहाँ पे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उन्हें भेजते हैं, मशीनरी पार्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये बल्क ऑफ दी आइटम्स रहता है। इंपोर्ट क्या रहता है, हम लोग टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, करीब $2 बिलियन के। ईरान एक दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया के लिए, एंड यहाँ पे करीब एक्सपोर्ट्स है $1.2 बिलियन के, यस, एंड इंपोर्ट है $625 मिलियन के। तो यहाँ सीरियल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स, ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो हम करते हैं, एंड इंपोर्ट्स हैं करीब करीब केमिकल्स, फ्रूट्स, नट्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेबनान की बात करें तो काफी छोटा ट्रेड है, हम लोग करीब $350 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 112
मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक काफी जो हमें चीज इंपैक्ट करेगी ना डायरेक्टली, वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो ऑयल प्राइसेस को लेके है काफी ज्यादा चिंता हो गई हमारे एनालिस्ट को। ऑयल प्राइसेस करीब करीब $75 पर बैरल आ गए हैं। सबसे पहला रीजन तो है चाइना। चाइना में काफी बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आगे के लिए, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टिमुलस अनाउंस किया जिसकी वजह से सबको लगा कि ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि चाइना जो सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है इस वक्त ऑयल का डिमांड काफी कम हो चुका है, ग्रोथ कम है इसलिए। तो पहला रीजन तो यह है। दूसरा रीजन क्या है कि ऑयल, सबसे पहले तो हमने बोला डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड और सप्लाई इंपैक्ट करता है ना किसी भी चीज के प्राइस को। प्राइस को इंपैक्ट क्या करता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड साइड पे चाइना में डिमांड बढ़ सकता है और सप्लाई साइड पे इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं अगर इसराइल और ईरान में वॉर हो जाए फुल स्केल तो, क्योंकि ईरान भी काफी ऑयल सप्लाई करता है ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा जितने भी ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो सारा उसी सी रूट से होकर आता है जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे इम्पोर्ट और सी रूट है जितने भी, उन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है और जिसकी वजह से डिलेज हो सकते हैं, प्राइसेस काफी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इंपैक्ट ऑन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान। जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, इससे हमारा प्रोग्रेस कम हो सकता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो इंडिया ने अनाउंस किया था। एंड यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट लास्ट ईयर, और कहा गया था कि हम एक फास्टर रूट बनाएंगे जिससे इंडिया गल्फ रीजन से कनेक्ट हो जाएगा एंड यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा, ताकि हम स्विस कैनाल पे डिपेंड ना रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि स्विस कैनाल पे डिपेंडेंट रहने की वजह से ही आज हमें इतना ज्यादा फर्क पड़ता है इसराइल और लेबनन के कॉन्फ्लिक्ट से, किसी और के भी कॉन्फ्लिक्ट से, ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से। सो ये हमारे लिए काफी परेशानी वाली बात रहती है हमेशा। आते हैं अगले आर्टिकल पे। मोर पीपल नाउ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर देन बिफोर। इंडिया में एग्रीकल्चर में पहले से और ज्यादा लोग अब एम्प्लॉयड हैं। क्या ये बढ़िया न्यूज है? नहीं। किसी भी इकोनॉमी में अगर इस तरीके से शेयर एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, तो ये अच्छा न्यूज नहीं माना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में शेयर अभी भी लोगों का काफी कम है और पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक लेवल है। पैंडेमिक से पहले, कोविड से पहले जो लेवल्स था मैन्युफैक्चरिंग में लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वो अभी भी क्रॉस नहीं हो पाया है, उससे भी कम ही है। एंड एग्रीकल्चर में और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। डेटा दिखाता है कि जो शेयर ऑफ वर्कर्स है मैन्युफैक्चरिंग में वो है 11.5%, जबकि पहले प्री पैंडेमिक से पहले था 12.1%। एंड एग्रीकल्चर में अब 46.1% लोग काम कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ 42.5% थे। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डिक्लाइन आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में, वो है स्लो रिवाइवल की वजह से। मैन्युफैक्चरर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जैसा वो कोविड से पहले कर रहे थे। माइग्रेशन पैटर्न काफी चेंज हो गया वर्कर्स का फ्रॉम लेबर सरप्लस स्टेट्स। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई जो हम पहले भी आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे कि पैंडेमिक के वक्त काफी सारे लेबर जो हैं वो वापस एग्रीकल्चर में काम करने लग गए, लेबर का काम छोड़ के, क्योंकि उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ा, गाँव जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अब लोग एग्रीकल्चर में चले गए। वो क्या है प्रॉब्लम, ये है कि अब वो वापस से स्किल उन्होंने चेंज कर लिया, एग्रीकल्चर में अलग स्किल्स चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में अलग चाहिए, तो अब वो वापस से उस स्किल को नहीं सीखना चाहते हैं, या तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वापस से जाना, शिफ्ट होना, ये चीजें लोग नहीं करना चाह रहे हैं। एंड जो सक्सेसिव पॉलिसी शॉक्स हैं जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, इसकी वजह से और चोट पहुंची है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को जिससे हमारी इकोनॉमी गुजर रही थी। एंड हुआ ये कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर और घट गया ग्रॉस वैल्यू एडेड में। अमंग द स्टेट्स अगर आप डेटा देखें शेयर ऑफ वर्कर्स का मैन्युफैक्चरिंग में इन स्टेट्स, जैसे कि आसाम, वो 9.27% आ गया 10.5% से। बिहार में 5.17% आ गया फ्रॉम 5.3%। उड़ीसा में 7.17% फ्रॉम 8.1%। बंगाल में 16.5% आ गया 18.5% से। तमिलनाडु में करीब 16% आ गया है 19% से। कर्नाटका में भी ड्रॉप है, आंध्र प्रदेश में भी हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो दो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ पे 21.6% ये पहले था डेटा, और अभी है जो पहले 20.8 था। तो यहाँ हमें बढ़त देखने को मिल रही है जहाँ शेयर्स ऑफ वर्कर इंक्रीज हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं और एग्रीकल्चर में कम हो रहे हैं। अगर आप बाकी सारे स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, लोग जितने भी वर्कर्स हैं ये प्री पैंडमिक लेवल की तरह
मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल शिफ्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो ना करना इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो करता है तो इससे रियल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, काफी लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे। एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर रहे हो तो आपको पेंशन जैसे प्रोविडेंट फंड हो सकता है, मिल सकता है, इंश्योरेंस मिलता है, एक डिसेंट फैसिलिटीज रहती है, पर्क्स रहते हैं आपके लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में तो कोई सेफ्टी नहीं है ना, आपके पास इंश्योरेंस होता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, और ये है रेविंग अप आर्म सेल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफेंस कंपनीज की, डिफेंस कंपनी की सेल्स की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेटा ने इंडिकेट किया है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 22,000 करोड़ पहुंच चुका है 2023-24 में, एंड यहाँ पे करीब 31 गुना ग्रोथ है। ठीक है, पिछले 10 सालों में 31 गुना ग्रोथ, 31 times ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है दिखा रहा है कि कुछ भी अभी यहाँ स्लो डाउन नहीं होने वाला, आगे जो चीजें हैं वो बढ़नी बढ़नी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं 32.5% ओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स सर्च हो चुके हैं टू 6,115 करोड़, जो पहले करीब पहले से 78% की ग्रोथ है। अगर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लास्ट मंडे और बूस्ट मिला है, जहां पे आप देखेंगे प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने मोरक्को के रॉयल रॉयल आर्म फोर्सेस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी ऐसे कई सारे हमें प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को मिल रहा है, नए नए इनिशिएटिव्स के बारे में मिल रहा है जो हमारी इंडियन कंपनीज, लोकल कंपनी साइन कर रही है फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो इंडिया के डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में काफी बढ़िया शार्प अपटेक देखने को मिला, एंड वैल्यूएशन लैडर भी हम यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब डिफेंस कंपनीज में भी अगर आप देखें तो क्या बढ़िया आप देखेंगे, इनके पास ऑर्डर बुक है, कितनी बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 से 2 सालों में। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसमें मेनली हम लोग करते क्या है, देखिए लो कॉस्ट एम्यूनिशन रहता है और वेपनरी, एंड न्यू दिल्ली परस्यू कर रहा है कि हम हाई वैल्यू वेपन्स प्लेटफॉर्म्स भी भेजें, जैसे बेचें लोगों को, जैसे कि तेजस का लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और सोफिस्टिकेटेड ब्रह्मो सर्फेस टू सर्फेस क्रूज मिसल। ईस्ट एशियन कस्टमर्स जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इन सबको हम ये यूनिट बेचना चाहते हैं। सेल है 1 unit ऑफ ब्रह्मोस का, एस्टिमेटेड है कि ये हुआ करीब $365 million। सो अगर आप ये सोचिए कि हम अभी तो ठीक है लो कॉस्ट एम्युनिशन वेपनरी बेच रहे हैं, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को बेचने पे आ गए तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे जो बूस्ट होगा वो यहां से भी 50 गुना हो सकता है। तो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एंड प्रपोज किया गया था इसमें कि क्रिएट किया जाएगा 20 से 30 लाख जॉब्स वर्कर्स के लिए बाय 2025, एंड 1.7 ट्रिलियन रुपी का टर्नओवर भी अचीव किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी की जाएगी। तो देखिए डिफेंस चल किससे रहा है, इन्वेस्टमेंट से। इस वक्त भारी इन्वेस्टमेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर को देखें या गवर्नमेंट को देखें। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चाहे आप नेवी की बात करें, चाहे आप शिप्स की बात करें, चाहे आप एयरक्राफ्ट की बात करें, दोनों ही सेगमेंट्स में काफी बढ़िया हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफी सारे ऑर्डर बुक्स पेंडिंग है। अब देखिए यहाँ पे मैं ना डिफेंस के स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया रिटर्न दे दिया डिफेंस स्टॉक्स ने, तो हो सकता है वो 20-30% नीचे आए, जो कि बहुत नेचुरल है। अब ये देखिए निफ्टी तो इंडेक्स है, वो 20-30% नीचे आ जाता है, कभी ना कभी वो जाता ही जाता है अपने हाई से 20-30% नीचे और फिर वहां से ग्रो करता है। सो यहाँ पे स्टॉक्स के साथ ऐसा होना तो बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मुझे लगता है उनको रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करना चाहिए कि आज 2% बढ़ गया या 2% घट गया। आप जब जमीन लेते हैं तो क्या आप हर 2 दिन पे प्राइस चेक करते हैं? नहीं करते होंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स को भी ऐसे ही ट्रीट कीजिए जिन्होंने डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो काफी परेशान हो रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे काफी सारी चीजों में हम सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि की वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मीडियम लिफ्ट, अटैक एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स, लैंड कॉम्बैट व्हीकल्स, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, गन सिस्टम्स, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जहाँ पे हम सेल्फ सफिशियंसी अचीव करना चाहते हैं। और ऐसे नहीं कि हम करना चाहते हैं सिर्फ, हम इसमें पैसे भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट काफी आ रहा है। 7 years later इंडिया अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस बायर है, करीब 50% डिफेंस की जो नीड्स है ना हम दूसरे देशों से हमें खरीदना पड़ता है। आप ये सोचिए इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो बाहर लोगों के दूसरी कंपनीज के पास काम कर रहे हैं, इतने अच्छे पोजीशंस पे रिसर्च कर रहे हैं, बट इंडिया
अभी भी अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 50% अभी भी दूसरों से खरीदता है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई वॉर हो या कॉन्फ्लिक्ट हो तो ऐसा पहली बार पहले भी हुआ है कि इंडिया पर दबाव बनाया गया है कि उन कंट्रीज द्वारा जिन पर हम डिपेंडेंट रहे हैं। सो ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे टैंक्स की, फाइटर जेट्स की, तो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है जिनके लिए एडिशनल डिमांड आते रहते हैं मिलिट्री से सबसे पहले, तो जितनी भी हमारी डिफेंस कंपनीज है इनका सबसे बड़ा कस्टमर इस वक्त हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स ही है, राइट। सो अगर एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा कुछ नहीं भी होता है तुरंत एक दो साल तक, तो हमारे इम्पोर्ट्स ही अगर कम हो जाए ना तो ये बहुत बड़ा बूंद रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 50% इक्विपमेंट अगर हम खर्चा जो है वो बाहर की कंपनीज को दे रहे हैं पैसा इम्पोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्ट पे फोकस करने की जगह उससे पहले अगर हमारा खुद के इक्विपमेंट्स में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए ना तो वो बहुत पैसे हमारे लिए बचाएगा और बहुत बढ़िया ग्रोथ और बूस्ट देगा हमारी लोकल कंपनीज को, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा सिर्फ होना चाहिए, ऐसा हो भी रहा है। सो यहाँ पे काफी बढ़िया हमें आगे स्कोप नजर आ रहा है इस सेक्टर में, काफी चीजें हैं, काफी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, एंड आप देखेंगे डिफेंस जो है, मैं कहूंगा डिफेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्राइमरली गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप किस कंट्री को गन्स या इक्विपमेंट्स बेच सकते हैं, किस कंट्री को नहीं बेच सकते हैं, किसको किस दाम पे बेचेंगे, हर चीज में गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।